फ्यूचर वीडियोस में डिस्क्लोज जरूर करूंगा भाई, ज़्यादा अमेजिंग क्यों रहा अभी नहीं, बाद में बताएंगे भाई, कुछ ना कुछ कुछ सिगरेट्स होने चाहिए। तो भाई बाइक इधर पार्क कर दिया और भाई चेक आउट द लोकेशन, और कितनी प्यारी लग रही भाई ये लुक ना मेरे को बहुत, मत बताओ जनाब कैसा एक्सपीरियंस रहा। बैठेंगे टॉप स्पीड पे, 270 की स्पीड है, देख लिए 100 पे बस हवा निकल गई। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसी दिन या तो लद्दाख या फिर स्पीति वैली वगैरह उस सड़क ही का पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि देख। गुड मॉर्निंग भाई एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और संडे का दिन है और सुबह के 5 बजने वाले, 4:55 हो चुके हैं। और भाई आज हम जा रहे हैं अपनी संडे राइड पे, और हम बोले तो मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों आज संडे राइड पे जा रहे हैं। और बाइक इधर हो रही है गरम गरम, बिल्कुल एकदम कोल्ड स्टार्ट इसका हो चुका है, और वो भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। अभी हम निकल रहे हैं रोहतक के लिए, रोहतक में मतलब मन्नत ढाबा, अब हमारी या फिर महाराजा ढाबा, दोनों में से कौन सा भी सही लगेगा आज की हमारी डेस्टिनेशन होगी। और भाई सुबह सुबह काफ़ी जल्दी निकली हम, बिल्कुल अंधेरा अभी, क्योंकि भाई मेरे को बाहर भी जाना था, मेरा आज का इवेंट है, उसे पकड़ी एक बार तो मज़ा आएगा टोटली। और भाई ये फर्स्ट टाइम कैमरा पे आ रही, तो शर्मा रही है, तो मैं एक बार इसका एक्सपीरियंस पूछ रहा था तो ये शर्मा रही है, तो बाद में रिकॉर्ड करेंगे भाई इसका एक्सपीरियंस भी, पहली बार में शर्मा गई, कोई नहीं होता है जब नए नए हम ऐसे कुछ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को भी बहुत शर्माती थी भाई पहले तो भाई अपनी बाइक एकदम हो चुकी है हीटअप और 73 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है बाइक का, तो अभी हम निकलते हैं अपनी राइड पे। तो भाई अभी हम बाइक पे आ चुके हैं और वर्षा का भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस बाइक पे, और ये फर्स्ट टाइम ही बैठी, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है कहीं गिर ना जाए और बार बार मेरे को बोल रही कि थोड़ा आराम से चलाऊँ, तो भाई हर किसी को ऐसे डर लगता भाई फर्स्ट टाइम, पकड़ के बैठ जाए ना ढंग से, वो ना पड़े कोई दिक्कत ना, मम्मी भी बैठ गई थी कोई दिक्कत ना है, पागल खा डर रही है, किसी और ने बिठा लूं ना, किसी और ने बिठा लूं फिर ना, किसी और ने बिठाने देना, खुद बैठे वाह। तो भाई ये काफी ज्यादा डरी हुई है, फिर वो बिल्कुल जोर से पकड़ रखा है इसने भाई, नहीं गिरे ऐसे, कोई दिक्कत ना हो, टेंशन ना ले यार। तो भाई इसको थोड़ा सा धक्का तो मैं जरूर दे के दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पे रोड थोड़ा सा खराब है, और भाई ये बहुत ही ज्यादा डरी हुई है भाई सच में, इतनी इतना चुट रहा पागल है। अच्छा फिर अच्छा, फर्स्ट टाइम बाइक पर बैठ के कैसा एक्सपीरियंस है, चल रुक के पाछे बताइए, थोड़ा हाथ है इसका पकड़ दिए, हाँ भाई बात में ही नहीं रही, तो कोई बात नहीं, रुकने के बाद ही पता करेंगे इसका एक्सपीरियंस।
स्टार्टिंग में तो काफी डरी हुई थी, अब इसका डर खुल चुका है, इसको भी मजा आ रहा भाई। तो भाई अभी छोटा सा चक्कर लेके आए हम आगे से और अपनी डेस्टिनेशन आज आ चुकी है, तो एक बार बाइक को पार्क कर देते हैं और फिर चलेंगे अंदर और अपना खाना पीना ऑर्डर करते हैं। तो भाई एक सेकेंड बाइक देख लेते हैं पार्किंग पे कहाँ लगानी है। अच्छा, कोई नहीं, इसके ऊपर आराम दे, पांटे के उतर अगर इससे फुट रेस्ट पे एकदम तो नीचे टेकेगी तो पड़ जाएगी। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं और बाइक भी हमने पार्किंग में लगा दी और यार ये कंसोल मेरे को बहुत प्यारा लगता है बाइक का, और आज की लोकेशन देखो भाई कितनी ही प्यारी लग रही है। एक सेकंड, यो भी दुख रह गया है, दुख दर्द पीड़ा इवतार। तो भाई बाइक इधर पार्क कर दिया और भाई चेक आउट द लोकेशन और कितनी प्यारी लग रही है भाई ये लुक ना मेरे को बहुत, मतलब हमेशा से इतनी मस्त लगती है यार इसकी एम्बियंस वगैरह। और बताओ जनाब कैसा एक्सपीरियंस रहा? मस्त। कितनी बार थी डर लग गया? थोड़ी देर तक। चला आ जा कुछ ना कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर ले। और भाई तो भाई अंदर का चेकआउट कीजिए, कितना जबरदस्त लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई है ना? किसी लग गई? हाँ सही है। तो भाई एक बार पीछे का भी चेकआउट करो और बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। और भाई अभी अपना दूसरी साइड क्या कहते हैं वो चला हुआ था साफ सफाई, तो अभी इस साइड कहीं सीट देख लेते अपनी। तो भाई 5:30 हो चुके हैं, हमको यहाँ तक आने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं, पता भी नहीं चला भाई कैसे टाइम निकल गया, मतलब 15 मिनट मैक्सिमम 15 मुश्किल तो लगे होंगे, 15 भी ना लगे। तो एक बार भाई ऑर्डर कर लेते अपना कुछ खाने का। देख मेन्यू देख ले, कोई नहीं फुर्सत है देख। तो भाई मैं बता रहा था कि मेरे को बस मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे क्योंकि बाइक आई है 110 क्योंकि इसका थोड़ा सा फियर भी खोलना है सुपर बाइक को लेके। कुछ खाने का मन नहीं, सुबह सुबह ज़्यादा हो गया ना, तो घर आ जाकर रोटी पोनी पड़ेगी। मैंने भी तो जल्दी जाना है, तो देख ले कुछ हल्का फुल्का। जब तक कुछ देख ले हल्का फुल्का देख ले, ज़्यादा उसे ना देखिए। तो भाई अभी जल्दी जल्दी में इसलिए आए थे क्योंकि मेरे को शूट पे निकलना भाई काफ़ी सुबह सुबह, ये लगा लो 8 बजे यहाँ से निकल लेंगे, काफ़ी दूर जाना है, 250-300 किलोमीटर का अपना आज का शेड्यूल रहेगा। तो मैं सोच रहा था कि संडे राइड सुबह ही पूरी कर लेते हैं, तो पूरा दिन आज मतलब एडिट वगैरह करके इसको डाल देंगे, मज़ा आएगा भाई अल्टीमेट। और बताना वीडियो कैसी लग रही है और आज की राइड के बारे में भी बताना, कोई सजेशन देना हो सजेशन दे सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके हवाले भाई, लेकिन हाँ थोड़ा सा लिमिट में रह के ही कमेंट करना भाई क्योंकि फैमिली वाले हर कोई देखते हैं इस चैनल को, तो थोड़ा सा गाइडलाइंस फॉलो करना। और एक बार हम मेन्यू दोबारा चेकआउट कर लेते हैं क्या कुछ है अभी यहाँ पे खाने के लिए। तो भाई अभी हम वर्षा से पूछेंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्या कुछ अच्छा लगा, बाइक फास्ट थी या कुछ जो भी एक्स वाई जेड जो भी इसको बाइक के रिगार्डिंग बताना है, मतलब इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था भाई बाइक पे। और चलो पूछते इसी से पूछ लेंगे, बता सुपर बाइक पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये बताओ। स्टार्टिंग में तो डर लग गया पर सही हो गया, नॉर्मल। फिर तेज स्पीड तो थी पर मजा आया, 100 की स्पीड गणी है और यार गणी तो है नॉर्मल और बाइक के कंपैरेटिवली तो गणी है। तो भाई इसको 100 की स्पीड भी ज्यादा लग रही है Z900 की, जिस दिन टॉप स्पीड पे इसको पीछे बिठा लिया इसका तो भूत बन जाएगा यार। बैठा ही टॉप स्पीड पे 270 की स्पीड है देख लिए, 100 पे भाई 100-110 पे ये टेढ़ी होगी लेकिन 270 पे तो ये पीछे मर जाएगी, आगे लेना मुश्किल हो जाएगा। और नॉर्मल सही थी तो ही बिना बता, लद्दाख चलना इस पे चलो
तो भाई लद्दाख का भी प्लान है लेकिन अभी नहीं है, जून जुलाई के आसपास ही बनेगा थोड़ा सा, और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं लद्दाख या फिर और कोई मतलब जाएंगे हिल स्टेशन की तरफ और थोड़ा सा लंबा जाएंगे, एक हफ्ते के आसपास का अपना पूरा ट्रिप रहेगा। तो वो टारगेट है भाई 10,000 सब्सक्राइबर्स का, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसी दिन या तो लद्दाख या फिर स्पीति वैली वगैरह उस अड़गा ही का पोर्शन कवर करेंगे, क्योंकि देखो मनाली और सिसु तक तो मैं गया हूँ, उसके आगे का पोर्शन भाई अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, तो मैं श्रीनगर वाली साइड मतलब लद्दाख वो वाला पूरा सर्किट मेरे को क्रॉस करना है, और हम जाएंगे Z900 पे, और इसका थोड़ा सा मॉडिफाई भी करवाना पड़ेगा, सीट वगैरह को काफ़ी हार्ड है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है भाई, तो उसी के हिसाब से पीछे टॉप बॉक्स भी लगवाना पड़ेगा, सीट भी चेंज करवानी पड़ेगी, प्लस लाइट काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरी चेंज होगी। तो भाई अभी अपना खाना भी आ चुका है और हमने ऑर्डर किया था परौंठा प्लस चाय। तो भाई सुबह काफ़ी ठंड लग रही थी और ये देखो इधर भी परौंठे के लिए घी वगैरह आ गया, तो चटनी वगैरह तो लेंगे नहीं क्योंकि लस्सी में बनी है दही में और उसके साथ चाय तो मज़ा नहीं आएगा। तो भाई परौंठे खा सकते हो आप हमारे साथ, आ जाओ और थोड़ा सा घी लगा दे इस पर, ज़्यादा कड़ा क्यों, थोड़ा बड़ सरतर इधर दे लदे। और यार बड़ सर तरिया दर का खा कम दे कम, तो भाई परौंठे के ऊपर जब तक टिंडी घी नहीं लग लेता तब तक मज़ा नहीं आता परौंठे का बिल्कुल भी, ये बात सबको पता है, लेकिन भाई अपना हिसाब देख के ही घी खाओ, किसी का सेद जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, किसी का आजमा किसा किसी का किसा है, तो अपना तो ठीक है, अपना खास कहे हैं फुर्सत है और बेफिक्र हो गए खास कहे, क्योंकि महाराज हजमा ठीक है भाई, घी नहीं सेद होता है अचार नाम में लेना चाहिए होगा। तो भाई डेढ़ परौंठा खाया इसने और ये बोल रही है कि ना क्या ना शर्मा, तो ये बोल रही है कि डेढ़ परौंठा जबरदस्ती खिलाया मैंने इसको, और ये है ये परौंठे भाई, तो आप बताओ जबरदस्ती होता है क्या डेढ़ परौंठा सुबह सुबह? डाइट बता, डाइट बता एक बार कितनी का आधा परौंठा, डेढ़ परौंठा पे लगी और ऊपर देखा जबरदस्ती खुवा दिया, बोली ग्राचून कम लागेगा कम रोटी पोनी पड़ेगी, तो ये इसकी हरकत देख लो हरकती। A few moments later 6:42 हो चुके हैं, इसके बाद भाई अभी मैं जाऊंगा घर पे और नहा धो के रेडी हो के फिर वापस आऊंगा, दूसरी बाइक लेके आऊंगा अब की बार, और भाई बताना वीडियो कैसी लगी, और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा मेरा भी और इसका भी, थोड़ा बहुत डर लग ज़्यादा ही अमेजिंग रहा कुछ हाँ, कभी फ्यूचर वीडियोस में डिस्क्लोज जरूर करूँगा भाई, ज़्यादा अमेजिंग क्यों रहा अब रहा कुछ हाँ, कभी फ्यूचर वीडियोस में डिस्क्लोज जरूर करूँगा भाई, ज़्यादा अमेजिंग क्यों रहा अभी नहीं, बाद में बताएंगे भाई, कुछ ना कुछ कुछ सिगरेट्स होने चाहिए। तो भाई टाइटल वगैरह सब बताना कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी भाई, हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया और कितना इन्जॉय किया बहुत घना ही हो गया आज तो कुछ, तो भाई हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ होता है, तो इस खुशी के पीछे भी कुछ है फ्यूचर में बताएंगे, और तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और भाई वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत मज़ा आता है भाई वीडियो शूट करने में जब ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, तो कुछ बोलना है नहीं, तो भाई ठीक है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।